लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। यूपी के हाथरस और गोंडा में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे मौन व्रत रखा। साथ ही नैतिकता के आधार पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपी में गुंडाराज चरम पर है, महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन यूपी में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध व दुर्व्यवहार की घटनाएं होना आम हो गई हैं। लिहाजा हाथरस में हुई इस शर्मसार करने वाली घटना को देखते हुए यूपी की योगी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सभी ने मौन व्रत कर यूपी की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नहीं, देखिए जिस प्रकार से लगातार वहाँ उत्तर प्रदेश में जो मातृशक्ति वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, हर दिन कोई ना कोई वहाँ प्रकरण हो रहा है जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। और ये जो हाथरस कांड हुआ है इसमें जो पुलिस की भूमिका रही, प्रशासन की भूमिका रही, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि अंधेरे में रात में बिना परिवार की उपस्थिति के कैसे उन्होंने वहाँ अंत्येष्टि करी हमारी बिटिया की। और जो अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जिस निरंकुशता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल लग रहा है, तो नैतिकता के आधार पर योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। और एक विश्वास नहीं बना पा रहे उत्तर प्रदेश की जनमानस में, मातृशक्ति में सुरक्षा का भाव नहीं बना पा रहे।